जय हिंद दोस्तों। देखिए लास्ट क्लास में जो हमने आंसर डिस्कस किया था वो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम डेली यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने GS1 कंप्लीट कर लिया है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं GS2। तो GS2 में ऑलरेडी हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, मतलब 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम 12th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए मेनली जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था वो हमने अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जिसमें मैंने अपने पॉइंट्स लिखे थे। आपको अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप वो वीडियो देखिए, और आपको लगता है कि नहीं इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और उसको ऐड किया जाना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। इस तरीके से हमारा मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन चलता रहेगा। देखिए अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो देखिए आपकी जो पहली जो स्टेज होनी चाहिए वो दो तीन चीजों पे फोकस होनी चाहिए। पहला होना चाहिए आपका सिलेबस पे, दूसरा होना चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, और तीसरा होना चाहिए एनसीईआरटी पे। आप अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी को इग्नोर किए बगैर स्टार्ट कभी मत करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया है तो। इसका रीजन क्या है कि अगर एनसीईआरटी बुक जब आप रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये स्टैंडर्ड बुक के लिए आपके लिए क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने का काम करता है। क्योंकि जब जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप स्टैंडर्ड बुक नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है सिलेबस, और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद। सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे एक फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम उसको क्या कर सके, रीड करते रहे। इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन से GS पेपर में कितने कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है, ये सब अच्छे से मालूम होगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेनली वो आर्टिकल 21 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 21 के अंदर में और कौन कौन से जो हमें फंडामेंटल राइट्स है वो आते हैं। अब जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A के तहत क्या है, जो हमारे पास एजुकेशन है उसको क्या बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो इसी तरीके से आर्टिकल 21 के अंदर में क्या क्या और अधिकार आते हैं आज हम सिर्फ उस पर ही डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो आंसर था वो हमने प्रीवियस लास्ट क्लासेस में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था कि हमारे पास जो राइट टू प्राइवेसी है, लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जो कि प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर में, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था किससे रिलेटेड करके, जो DNA टेस्ट होता है ऑफ जो चाइल्ड इन द वॉर्म, तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। तो हमने इस पर डिस्कस कर लिया था। देखिए इस पर जो हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, तो देखिए इस पे जो हमने पॉइंट डिस्कस करा था वो कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करा था, तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी, एक तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जिसमें लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी आता है, तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंदर में रखा गया है। और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि ईच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग जजमेंट के द्वारा क्या रिऑर्गेनाइज किया गया है कि हर एक पर्सन का क्या होगा, पर्सनल प्राइवेट मैटर के रिगार्डिंग में क्या होगा, उनका फंडामेंटल राइट होगा। जैसे फैमिली के मैटर में या बॉडी के मैटर में, फैमिली बॉडी इंटीग्रिटी के मैटर मैटर में, या जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसके मैटर में, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की गई थी राइट टू लाइफ के अंदर में, के अंदर ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर हमने राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 डिस्कस करा था। फिर हमने रिविलेंस करा था जो भी प्राइवेसी है DNA टेस्ट पे, ये भी हमने डिस्कस करा था जैसा क्वेश्चन में पूछा था। फिर हमने लीगल प्रोविजन के बारे में डिस्कस करा था और क्या रिस्ट्रिक्शंस है, और कुछ एग्जाम्पल हमने, मतलब एक एग्जाम्पल भी हमने इस पर डिस्कस करा था। आज हम
उसके बाद कुछ बेसिक हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी आता है। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 15 में प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 में एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 में एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, जैसे सर या राजा जैसे जो टाइटल्स होते हैं उसके एवोल्यूशन की बात रखी गई है, ताकि इसमें सोसाइटी के अंदर में किसी भी तरीके से जो इनइक्वालिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। फिर आर्टिकल 19 से 22 आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट टू फ्रीडम, और इसी आर्टिकल के बीच में यानी कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21 के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में। तो आपने अगर लक्ष्मीकांत के बुक को कंप्लीट किया होगा तो आपने फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ा होगा। तो देखिए आर्टिकल 19 में किस बारे में बात करता है, तो इसमें 6 और फंडामेंटल राइट दिए गए हमारे आर्टिकल 19 में, जैसे जो मीडिया के पास जो पावर आती है अपने थॉट्स व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, वो यहीं से आती है आर्टिकल 19 से। तो जैसे इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, इन सब का अधिकार आपको आर्टिकल 19 में मिलेगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफ फोर ऑफेंस के रिगार्डिंग में आपको अधिकार मिल जाएगा। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शंस देता है हमें लाइफ और पर्सनल लाइबिलिटी के लिए। आर्टिकल 21A ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, जिसमें 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए और जो डिसेबिलिटीज पर्सन है, फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन, उसके लिए 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रखी गई है। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात रखी गई है। फिर देखिए आर्टिकल 23 एंड 24 की बात करते हैं, तो जिसमें बात रखता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जिसमें आर्टिकल 23 की बात करें तो प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर की बात रखी गई है, कि रोक लगाने का काम करता है। फिर आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है, यानी कि जो भी 14 साल से नीचे इस बच्चे हैं उसको हम क्या नहीं कर सकते, किसी भी डेंजरस फैक्ट्री में काम एम्प्लॉय पे नहीं रख सकते हैं, जैसे कि केमिकल की फैक्ट्री है, माइनिंग की फैक्ट्री, इन सब में हम 14 साल से नीचे बच्चों को काम पे रखना इलीगल बताया गया, उसके फंडामेंटल राइट का अवोलेशन बताया गया। आर्टिकल 25 से 28 किसके बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजियस। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि जो भी धार्मिक के आधार पे जो भी अफेयर्स हैं, मैटर है, वो क्या कर सकता है, उनके पास मैनेज करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रोमोशन ऑफ रिलीजियस, आपको देख रिलीजन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 28 में क्या कहता है, फ्रीडम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें अधिकार आपको किस में देखने को मिलेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में। फिर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 29 से 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शंस रखी गई जो भी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, और आर्टिकल 30 में आपको क्या देखने को मिलेगा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी माइनॉरिटीज है वो अपने रिलीजियस के बेसिस पे क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ये बात रखी गई थी आर्टिकल 29 एंड मतलब आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 30 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बात करता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का अबोलिशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपील कर सकते हैं। इसी बेसिस पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है आर्टिकल 32 को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट पार्ट में, मैंने एक बार रिकॉल करा दिया आपको, अगर आप इन क्विकली रिवीजन करना चाहते हैं तो अब इजिली रिवाइज हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के बारे में। तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। मतलब in short आप ये समझिए article जो 21 है वो किसके बारे में बात करता है, right to life के बारे में बात करता है। तो इसमें 20 rights और आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं right
टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हर एक इंसान के पास ही अधिकार है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ सर्वाइव कर सकता है। देखिए अगर बात करते हैं इस रूल को जो इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, तो कि जिसमें कि हर एक पर्सन के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सकता है और वो फ्री होगा कैसे हर एक तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन है और जो डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है उससे वो क्या होगा, मुक्त होगा, फ्री होगा। इसमें इंक्लूड आपको और क्या देखने को मिलेगा, नॉट जस्ट अ फिजिकल असिस्टेंस, इसमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं बट ऑल्सो लाइफ यानी कि डिग्निटी के साथ लाइफ भी इसमें शामिल है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा लाइफ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में। उसके बाद देखिए आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं इन द लैंड ऑफ लैंडमार्क केस ऑफ जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस है, यानी कि देखिए यहाँ से राइट टू लाइफ में जो एक और आता है वो आता है के एस पुट्टास्वामी केस का। तो देखिए के एस पुट्टास्वामी केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2017 का केस था, उसमें क्या था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या होगा, हर एक पर्सन का, हर एक इंसान का क्या होगा, अधिकार होगा। किसके अंडर में रहेगा ये, आर्टिकल 21 के अंदर में रहेगा। तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया फिर कि ये राइट टू बॉडली जो ऑटोनॉमी है, अगर हम इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी की बात करते हैं उन सबको प्रोटेक्शन करना, किससे, अनऑथोराइज जो भी सर्विलेंस है, तो ये सारी चीजें किस में रख दी गई थी, हमारे फंडामेंटल राइट में रख दी गई आर्टिकल 21 में। फिर देखिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। अब जिस आर्टिकल के आगे आपको अल्फाबेट नजर आ जाए लिखा हुआ, जैसे ए बी या कोई भी अल्फाबेट लेटर आता है, तो आप समझ लेना उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 21 के अंदर में ये मैंडेट कर दिया गया था कि फ्री एंड जो कंपलसरी एजुकेशन होगा वो हर एक बच्चे के लिए क्या होगा, कंपलसरी होगा, चाहे वो, और एज क्या रखी गई थी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए रखी गई थी, और ये उनका क्या बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ये फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ क्या है, स्टेट की ड्यूटी भी आपको देखने को मिल जाएगी और जो पेरेंट्स हैं उनका ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये उनका क्या देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर। मतलब देखिए जो राइट टू हेल्थ है और मेडिकल एड है एंड जो प्रोटेक्शंस है फ्रॉम द जो भी हार्म, जो भी ऐसी चीजें जो क्या कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसको भी क्या माना गया है कि ये आएगा किसका अंडर में, आर्टिकल 21 का, यानी कि राइट टू लाइफ का ही क्या है, एक पार्ट है। तो इसको भी क्या बना दिया गया कि जैसे हर एक पर्सन के लिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना पब्लिक पर्टिकुलरली केस में, तो ये क्या होगा, एक मतलब इसको भी किस में रखा गया, एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर में रखा गया। और यहीं से जो आपका निकल के आया एक और फंडामेंटल राइट निकल के आया अंडर आर्टिकल 21, वो निकल के आया क्लीन इन्वायरमेंट। तो देखिए हेल्दी एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्या है, हर एक पर्सन के लिए, ताकि वो डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, इसके लिए जरूरी है कि उसको क्या प्रोवाइड कराई जाए, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराई जाए। तो इसको भी किसके अंदर में मेंशन कर दिया, आर्टिकल 21 के अंदर में इसको मेंशन कर दिया गया। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया कि भाई सांस लेने के लिए क्लीन एयर होना चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए क्लीन वाटर होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर करेगा कि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, यानी कि किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और बचा सकेंगे, ताकि हमारा जो फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड कराया गया उसका क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा और प्रोवाइड कराया जाएगा एक राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। सिक्स्थ आता है राइट टू लाइवलीहुड। देखिए ओल्गा टेलिस वर्सेस बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस की बात करते हैं जो कि 1995 में था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दे दी कि हर एक पर्सन के पास क्या रहेगा, राइट टू लाइफ रहेगा, किसके अंदर में, आर्टिकल 21 के अंदर में, यानी कि राइट टू लाइफ के अंदर में क्या रहेगा, ये भी एक अधिकार होगा। जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो भी स्टेट जो
यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं या सड़क के किनारे जिनकी जो झोपड़ी पर झोपड़ी है या जो भी टेंट हाउस है उनका, तो उनको बिना यानी कि अल्टरनेटिव जो भी साधन है यानी कि लाइवलीहुड के लिए जो साधन है वो प्रोवाइड किए बगैर उन्हें वहां से नहीं हटा सकती। अगर ऐसा करते हैं तो उनका क्या होगा, एक फंडामेंटल राइट का एबोलिशन माना जाएगा। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा राइट टू लाइफ में। फिर देखिए यहीं से निकल के आया एक और राइट, निकल के आड़ के आया राइट टू शेल्टर, यानी कि राइट टू शेल्टर भी किसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया, आर्टिकल 21 के अंदर में प्रोटेक्टेड किया गया है, जिसमें ये बात रखी गई थी किसके लिए, डिग्नेट यानी कि डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है कि हर एक लोगों के पास क्या होना चाहिए, उनका शेल्टर होना चाहिए। तो इसमें जो इंक्लूड किया गया ना कि सिर्फ फिजिकल रेसिडेंस, बट इसमें जो फैसिलिटीज है, जरूरी फैसिलिटीज है, जैसे किसके लिए, प्रॉपर फैमिली लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सिक्योर लिविंग के लिए, इन सब कंडीशंस के बेसिस पे क्या है ये प्रोवाइड कराई जाए। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, एक राइट टू शेल्टर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई थी। अगला देखते हैं, अगला जो आठवां आपको इसके अंदर फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा राइट अगेंस्ट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड टॉर्चर। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर हम बात करते हैं, जो भी कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी दूसरे पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उसको उसके विरुद्ध हम इनह्यूमन जैसी एक्टिविटीज करते हैं, इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, तो इसके लिए भी क्या है, तो इसको भी क्या बना दिया गया कि यदि आप किसी पर्सन को के साथ अपमान्यजनक व्यवहार करते हैं या उसको सताते हैं, परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे होते हैं, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप उसका वॉयलेशन कर रहे होते हैं। तो इसको भी इंश्योर किया गया है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा कि यदि कोई भी पर्सन आपके साथ इनह्यूमन एक्टिविटी करता है या स्टेट इनह्यूमन एक्टिविटी करता है या आपको यातना सहना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा एक तरीके से कि आपके फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन माना जाएगा। ये स्पेशली किस केस में देखने को मिलता है, जो भी कस्टोडियल जो एब्यूज होते हैं, यानी कि जब किसी पर्सन को कस्टडी में रखा जाता है उसके साथ जो ऐसे जो व्यवहार किए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जुडिशरी के द्वारा ये एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया था किसके लिए, ताकि जो फिजिकल और जो मेंटल जो यातनाएं सहन करनी पड़ती है जेल में जो कैदी को पकड़ के लेके जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब ये भी क्या आएगा आर्टिकल 21 के अंदर में एक फंडामेंटल राइट इसको माना जाएगा, ताकि इंश्योर कर सके जो भी डिटेनेस ट्रीटेड है और ताकि अपनी डिग्निटी के साथ वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं कि राइट टू लीगल एड एंड फेयर ट्रायल, यानी कि अब जो फेयर ट्रायल है और जो लीगल एड है, स्पीडी ट्रायल, तो इन सब ये सभी किसके अंदर आपको किसका पार्ट नजर आएगा, आर्टिकल 21 का ही पार्ट नजर आएगा। तो इसमें कोर्ट ने ये माना था कि जो हर एक व्यक्ति है, हर एक आदमी है, उसको क्या है फाइनेंशियल स्टेटस की परवाह किए बिना जो भी पर्याप्त जो लॉ है यानी कि कानून है और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है फेयर और निष्पक्ष होकर के क्या करेगा सुनवाई का अधिकार होगा। तो ये भी चीज क्या है एक फंडामेंटल हमारे जो आर्टिकल 21 है, तो उसके फंडामेंटल राइट के अंदर में इसको रखा गया है। फिर बात करते हैं राइट अगेंस्ट जो डिले इन एक्सक्यूजन ऑफ डेथ सेंटेंसेस आपको देखने को मिला, यानी कि मौत की सजा के निष्पादन में देरी के खिलाफ भी अधिकार आपको देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अगर किसी को मौत की सजा होती है तो मौत की सजा के निष्पादन में आश्वासन और लंबी देरी दोषी के जीवन के अधिकार का क्या है उल्लंघन माना जाएगा। यदि सजा सुनवाई सुनाई जाने और फांसी दिए जाने के बीच में काफी समय बीत जाता है तो दोषी को आजीविका कारावास में बदलने के लिए क्या है वो अपील कर सकता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी इसके अंदर इंश्योर किया गया है आर्टिकल 21 के अंदर में रखा गया है। फिर राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी कि देखिए एक कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दे दी थी
की जो राइट टू डाई है विथ डिग्निटी, ये किसका पार्ट है? एक आर्टिकल 21 का पार्ट है, जिसमें कि अलाउ कर दिया गया था कि इसमें अलाउ कर दिया था कि जो भी अगर हम दिशा निर्देश के तहत निष्कर्ष जो अपने इच्छा के अनुसार क्या करना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। और यह जो निर्णय था, जो ग्रांट्स थे वो टर्मिनी इल पेटेंट्स और दोस इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट द राइट ऑफ डिक्लाइन लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट थ्रू एन एडवांस डायरेक्टिव और लिविंग वेल। मतलब इसका क्या था कि ये जो निर्णय था वो क्या था, असाधारण रूप से बीमार रोगियों, जैसे कि जो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते थे, जो अब ट्रीटमेंट कराते कराते अपने लाइफ से बोर हो चुके थे, ये ऐसे लोगों के लिए था, ना कि एक हेल्दी पर्सन के लिए ये प्रोवाइड कराई गई थी। तो मतलब जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है लंबे समय से, उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, एक तरीके से बस एक डेड की तरीके से, डेड बॉडी की तरीके से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाया था। मतलब या अगर कोई लंबी बिल के माध्यम से जीवन निर्वाह उपचार को अस्वीकार करना चाहता है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्निटी के साथ आत्महत्या या अपनी इच्छा के अनुसार मर सकते हैं। राइट टू स्लीप एंड रेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपके पास सोने का भी अधिकार है, ये भी आपके राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। तो आप अगर आपको कोई सोने नहीं देता है तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास फंडामेंटल राइट है, कि मेरे पास सोने का पूरा पूरी अधिकार है कि मैं 8 घंटा तो अपनी नींद पूरी कर सकता हूँ, आप मुझे 8 घंटा से कम सोने से नहीं रोक सकते हैं। अगर आप रोकते हैं तो आप मेरे क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, नींद और पर्याप्त आराम करना भी हमारे राइट टू लाइफ के अंदर में आता है। तो ये भी बात सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा कही गई थी कि वो आर्टिकल 21 के ही तहत शामिल किया जाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके हेल्थ के लिए भी, एक तो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी हो जाता है, दूसरा ये आपके डिग्निफाइड लाइफ के लिए भी क्या है, जरूरी है। तो इसीलिए इसको क्या माना जाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर में रखा जाता है। फिर देखिए, राइट टू ट्रेवल अबॉर्ड, यानी कि आपके पास बाहर के देशों में यात्रा करने का, अलग अलग देश को घूमने का भी अधिकार है। और इसकी जो मान्यता है ये भी किसके अंदर में दी गई है, आर्टिकल 21 के अंदर में रखी गई है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सिटीजन्स के पास आज़ादी है कि वो किसी भी देश में अपने स्टडी के पर्पस से या काम करने के पर्पस से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से या किसी भी अदर पर्पस से, जैसे टूरिस्ट के पर्पस से, वो क्या कर सकता है, अलग अलग देश में जा करके या अलग अलग जगहों पे जा करके रह सकता है, घूम सकता है, उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी विदाउट कोई भी वैलिड रीजंस के वजह से। हाँ, अगर कोई वैलिड रीजन है गवर्नमेंट के पास, तब वो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं वॉर की कंडीशन में, कई बार देखोगे जब वॉर की कंडीशन होती है तो सरकार अलर्ट जारी कर देता है कि आप जिस जगह जाना चाहते हो उस जगह जाने को अवॉइड करें। तो मतलब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में या किसी वैलिड रीजंस की वजह से सरकार आपका जाना रोक सकती है, बट ऐसे सरकार आपका कहीं भी आना जाना नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 21 के अंदर में आता है। फिर देखिए, आपके पास आता है एक राइट टू रेपुटेशन, यानी कि आपको अपनी प्रतिष्ठा का भी अधिकार आपको मिलता है, यानी कि आपको एक अच्छी रेपुटेशन का अधिकार मिलता है, ताकि जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोटेक्शंस कर सकते हो जो भी आपका डिफेमेशंस है। तो ये भी पार्ट माना जाता है किसका, आर्टिकल 21 का। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि आप अच्छी प्रतिष्ठा और मानव हीन से सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर में, आपको ये मिलता है। क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए उसका जो रेपुटेशन है वो क्या करता है, एक ह्यूमन लाइफ को या हर एक पीपल्स को डिग्निटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसकी डिग्निटी से जुड़ा होता है, आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। तो इसीलिए जो कोर्ट है, जो बदनामी और जो मान हानि के विरुद्ध में जो भी नागरिकों की जो रेपुटेशंस की रक्षा के लिए क्या किया गया है, इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया। फिर देखिए, आपके पास आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हैं।
तो ये भी हमारे किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 21 में आता है। क्योंकि देखिए हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, और डेमोक्रेसी तब अच्छी मानी जाती है जब वो जितनी ज्यादा क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। तो हमारे पास किसी भी क्षेत्र को लेकर के या किसी भी एरिया को लेकर के उसके विषय में जानने का अधिकार है। और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो कब पास हुआ था, ये हुआ था 2005 में, जिसमें हर एक पर्सन के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। और ये किससे जोड़ा गया है, इसको आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, मतलब जिसमें इन्वॉल्व है जैसे कि इश्यूज इफेक्टिंग लाइफ लाइबर्टी और बेसिक्स फ्रीडम के से रिलेटेड। तो हमारे पास क्या है, एक राइट टू लाइफ, सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन भी राइट देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है राइट टू मैरिज एंड फैमिली लाइफ, ये भी हमारे पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि हमें कब शादी करना है, किससे शादी करना है, और हम अपने फैमिली को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती है हमारे किसके अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर में। यानी कि मैरिज और जो फैमिली लाइफ है वो फंडामेंटली क्या है, तो आपको पर्सनल और लाइबर्टी ह्यूमन डिग्निटी के और ह्यूमन डिग्निटी के अंदर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड लिविंग का भी हमारे पास क्या है, अधिकार है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड पे ले जा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है राइट टू इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिशन है, यानी कि जो भी खान पान है, कब पहनावा ओढ़ावा है, या जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है जैसे गाड़ी है, आने जाने का कोई साधन है, घर है, ये सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो कि उस उसकी लाइफ के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, उसकी लाइफ डिग्निटी के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इंश्योर की गई है इसके अंदर में। उसके बाद आता है राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी एंड बॉडली इंटीग्रिटी, मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा कि हर एक पर्सन के पास ये अधिकार रहता है कि वो पर्सनल डिसीजन ले सकता है ऑन वन ऑन बॉडी, यानी कि अगर उसे अपने बॉडी के आफ्टर डेथ कोई पार्ट डोनेट करना है तो इसके रिगार्डिंग में भी उसके पास क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो डीएनए टेस्ट का जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था डीएनए के रेफरेंस में, तो आप यहाँ से भी पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। क्योंकि डीएनए क्या है, जब हमारी बॉडी का डीएनए टेस्ट होता है तो वो हमारी बॉडी का ऑन बॉडी राइट्स है कि हमें करवाना है नहीं करवाना है, उसके रिगार्डिंग में जो जानकारी है रखना है या शेयर करना है, ये सारी चीज़ें हमारी खुद की ऑटोनॉमी होती है। जैसे अगर हम बेबी इज अगर हम जो छोटे बेबीज होते हैं जब पेट में, अगर वो मदर के पेट में जब डेवलप हो रहे होते तो उस टाइम पे चेक करवाना वो मदर की लाइफ की डिग्निटी के ऊपर आ जाता है। तो उनको फोर्सली नहीं किया जा सकता है चेक कराने के लिए, अगर आप फोर्सली करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं उनकी लाइफ का जो मतलब जो उनके राइट टू पर्सनल ऑटोनॉमी है हम कहीं ना कहीं उसको वायलेंस कर रहे होते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में हमने इसको ऐड कर दिया गया। तो जिसमें जो केसेस जो एड्रेसेस किया गया उसमें जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन हो गया या बर्थ कंट्रोल पॉलिसीज हो गया या एक्सेस ऑफ सेफ जो भी आपको अबॉर्शंस हो गया, यानी कि जो अबॉर्शंस कराया जाता है उसको सेफ करने के लिए, तो उसके रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखो अगला जो राइट दिया गया है आर्टिकल 21 के अंदर में, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द फोर्स कन्वेक्शन एंड कोरियोकन, जिसका मतलब है जबरन जो धर्म आप किसी से फोर्सली आप उसके रिलीजन्स को चेंज नहीं करवा सकते हैं, या दबाव में या सुधार का यानी कि धर्मांतर और दबाव से सुधार का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप जबरन फोर्सली आप किसी को नहीं क्या नहीं कर सकते, धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। तो इसको भी किसके अंदर में रखा गया है, आर्टिकल 21 में रखा गया है। माना ऐसा इस बेसिस पे कि जो रिलीजियस कन्वेक्शंस जो प्रैक्टिसेस है उसको फोर्सली ना किया जाए, वॉयलेट ना किया जाए किसी भी पर्सन की लाइबर्टी को और उसकी डिग्निटी को, इस बेसिस पे उसको किस में रखा गया, आर्टिकल 21 के अंदर में रखा गया है। हाँ, लोगों के पास ये अधिकार रहता है कि वो बिना किसी दबाव में या किसी बाहरी जबरन के बगैर वो क्या कर सकता है, किसी भी रिलीजन को किसी भी कल्चर को
फॉलो कर सकता है, उसके पास वो पूरा अधिकार देखने को मिलेगा। फिर देखिए आर्टिकल, फिर 20वां जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 में, तो क्या है, आपको अपना पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार होगा। ये बात भी किस में हमें प्रोवाइड कराई गई है, ये अधिकार आर्टिकल 21 में प्रोवाइड कराई गई है कि हर एक पर्सन के पास ये आजादी होगा कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकता है, चुनने की स्वतंत्रता होगी। तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये डिसीजन लिया सुनाया था कि जो जो डिग्निटी के लिए जो हत्याएं हैं इस अधिकार का उल्लंघन करती है। मतलब देखिए, अगर हम जुडिशरी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ऑनर किलिंग है वो वायलेंट करती है राइट एंड जो इस राइट्स को, और वो उसको क्या रखा जाएगा, लॉ के तहत में पनिशेबल रखा जाएगा, यानी कि दंडनीय रखा जाएगा। तो ये सारे अधिकार हमें मिले हैं किसमें, आर्टिकल 21 के अंदर में। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, ये मेनली वैसे आपका मेन आंसर नहीं था, ये एक आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है किस बेसिस पे आपसे आर्टिकल 21 के अंदर में पूछा गया है उसकी नॉलेज के लिए, ताकि और आप इफेक्टिव तरीके से आंसर लिख सके, इसलिए हमने डिस्कस किया था ये सारे पॉइंट्स। देखिए अब कल की वीडियो में हम कौन से पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 डिस्कस करेंगे, जो किसके रिकॉर्डिंग में पूछा गया, फेडरलिज्म के रिकॉर्डिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, बता देता हूँ, बाकी अगर आप अपना आंसर लिख करके रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऐसे चेंजेस किए हैं, मतलब जिससे कि जो स्टेट और जो सेंट्रल रिलेशन है उसको सुधारा जा सके, फेडरलिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो स्टेट है और सेंट्रल के बीच में और ज़्यादा ट्रस्ट इंक्रीज किया जा सके, उसके लिए आपको क्या करना था, वे ऑफ फॉरवर्ड बताना। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। और डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।